लुधियाना शहर में डायरिया का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। लुधियाना के वार्ड नंबर 76 के अधीन आते ग्यासपुरा के इलाके मकड़ व अंबेडकर नगर में डायरिया का प्रकोप देखने को मिल रहा है। इस इलाके में भारी संख्या में डायरिया के मरीज सामने आ रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए लुधियाना के सिविल अस्पताल और अन्य अस्पताल में भर्ती करवाया जा रहा है। डायरिया के मरीजों के स्तर से बढ़ रहे मामले एक चिंता का विषय बनता जा रहा है। इलाके में खुदाई के दौरान दो खामियां देखने को मिली। पहली मक्कड़ कॉलोनी की 2 नंबर गली के सामने वाटर सप्लाई के पुराने कनेक्शन को हटाया नहीं गया था और उसी पर नया कनेक्शन लगाया गया था। दूसरी अंबेडकर नगर की 14 नंबर गली में सीवरेज के मेन होल का जब ढक्कन उठाया गया तो घरों में जाने वाले पेयजल की सप्लाई लीक हो रही थी, जो कि सीवरेज में गिर रही थी। 152 मरीज देखे गए हैं, जिसे 14 रेफर किए गए हैं। 5 जिला अस्पताल लुधियाना, 9 सीएचसी सन्नेवाल रेफर किए गए हैं। बीमारी कहाँ नाल फैली गई? ये गंदे पानी पीने नाल या कोई भी बाहरला खाना वगैरह खाने नाल बीमारी फैलती है। मैंने बेटा चक्कर आया, पता नहीं लगा गुमसुम हो गई। बताएगी लड़की, मेरे को कोई पता नहीं, मैं गुमसुम हो गई। इलाज तो जी कल आई हूँ, मेरे को दवाई दी तो बाहर से लिख के दे दें। इनका ये सब दस्त दस्त हो रहा है, लेटरिन हो रहा है, डायरिया हो रहा है। ठीक, क्या कह रहे हैं आपके लिए डायरिया में? गंदा पानी हो रहा है। गंदा पानी के लिए तो आप यहाँ पर लेकर आए हो? तो लेकर आज सुबह में आया। सेहत विभाग के मुताबिक अब तक डायरिया के 360 से ऊपर मरीज आ चुके हैं, जबकि यह आंकड़ा 500 से ऊपर कहीं ऊपर है मंगलवार को विभाग की टीम ने 1260 घरों में विजिट किया, जिसमें 1314 क्लोरीन की गोलियां और 252 लोगों को पंपलेट बांटे, साथ ही 207 ORS पैकेट दिए गए। असी हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि इस मसले का हल जल्दी से जल्दी किया जाए, लेकिन ये जिम्मेदारी सारे शहरियों की भी बनती है। जिथे भी कभी कोई कनेक्शन उन्होंने लागे रहन लगता है तो जरूर सानू दसिया जाए, ताकि असी उत्थे अपना टेक्निकल स्टाफ भेज के चेक करा सकी कि जिहड़ा कनैक्शन कोई सीवर का या वाटर सप्लाई का लिता जा रहा है, क्या वो परमिशन ली है कि नहीं। अगर परमिशन ली है तो क्या वो प्रॉपर डिजाइन नाल कनैक्शन हो रहे हैं। जागृति लहर के लिए लुधियाना से कुलवीर राही के साथ सुरेंद्र अरोड़ा की रिपोर्ट।